तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं NTUGC नेट एग्जाम एनालिसिस मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट 20 नवंबर 2020। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर विनोद चांदवानी में स्वागत है। इस चैनल पे सिखाया जाता है NTUGC नेट पेपर 1 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। ये बताने से पहले दोस्तों, मैं एक बार वापस से बताना चाहता हूं, ये एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो एनालिसिस मैंने किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कॉल करके या मैंने किसी से इंफॉर्मेशन लिया है ऑन द बेसिस ऑफ डेट, ये मैंने थोड़ा सा एनालिसिस किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे के पेपर की तैयारी आपको उसी हिसाब से करनी चाहिए, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आज के जो पर्टिकुलर लेसन है कि किस तरीके से जो पहले दो पेपर्स आए थे आपको उसी हिसाब से स्टडी करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एनालिसिस ऑफ फर्स्ट डे मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा लाइव बैच जो स्टार्ट होगा वो जूम प्लेटफॉर्म पे होगा और ये शुरू होगा 2 जनवरी 2022 से। इससे रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। जो भी आपके मन में दुविधा होगी, कितने बजे का टाइम होगा, टीचर्स कौन से होंगे, किस तरीके से पढ़ाएंगे, क्या क्या सब्जेक्ट सब कवर कराओगे, पेपर वन के साथ पेपर टू कौन सा कराओगे, फीस वगैरह क्या होगी, क्या अगर हमने फीस भरा तो, ये बात तो मैं अभी क्लियर कर देता हूं। अगर आपने एक बार फीस भरी तो जब तक आपका नेट क्वालिफाई नहीं होता है आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, ठीक है। जो हमारा ये एग्जाम हुआ था, मैंने क्या किया है उसको हमने 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है लेवल्स पे, इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, डिफिकल्टी लेवल, वेरी डिफिकल्टी लेवल। तो खुशखबरी की बात यह है कि अभी तक मैंने ऐसा कोई भी स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन नहीं सुना कि सर ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो डेट इज व्हाट, या तो मॉडरेट, या तो इजी, या तो डिफिकल्ट होगा, ठीक है। चलिए नाउ अगर हम देखेंगे तो मैंने इन 10 के 10 यूनिट को डिवाइड किया है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ICT, एनवायरमेंटल, दैट इज पीपल, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट और हायर एजुकेशन। अभी मुझे ऐसा थोड़ा लग रहा है कि शायद थोड़ा सा फेरबदल हो, मीन्स आई एम नॉट श्योर। ये तो मैंने जो डेटा कलेक्ट किया उसके बेसिस पे बता रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले पेपर्स में थोड़ा सा जो लेवल है वो चेंज हो जाए, तो अपनी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छी तरह से कर लीजिए। अभी बात करते हैं टीचिंग लेवल की, तो दोनों में मॉडरेट लेवल था, क्योंकि दोनों बैचेस से मैंने बात की तो दोनों बैचेस के जो स्टूडेंट ने मुझे इंफॉर्मेशन दी उसके बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूं। देन रिसर्च एप्टीट्यूड डिफिकल्ट लेवल, तो हो सकता है अभी आगे और डिफिकल्ट लेवल पे आ जाए। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन डिफिकल्ट लेवल, मुझे लग रहा है और ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। कम्युनिकेशन इजी टू मॉडरेट लेवल, ये इजी टू मॉडरेट लेवल यानी मुझे लगता है अभी आगे भी शायद इजी आ जाए। देन मैथमेटिकल रीजनिंग इजी लेवल, हो सकता है आगे भी इजी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम गुंजाइश है, यहाँ पे बहुत कम गुंजाइश है कि इसको कोई चेंज किया जाए। लॉजिकल रीजनिंग इजी टू मॉडरेट लेवल, आगे भी मुझे लगता है ऐसे ही होगा। डेटा इंटरप्रिटेशन मॉडरेट लेवल, मुझे लग रहा है अभी थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आई थिंक सो, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि जिस तरीके से पहले के पेपर्स हम लोगों ने देखे डिफिकल्ट का लेवल जो है वो बढ़ते जाता है। देन ICT मॉडरेट लेवल, मुझे लगता है अभी ICT शायद थोड़ा इजी आ जाए। देन पीपल एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इजी लेवल, ये भी ऑफकोर्स मुझे लगता है आगे भी इजी आएगा। और हायर एजुकेशन जो है वो इजी टू मॉडरेट, तो बिल्कुल मुझे ऐसे भी लग रहा है कि ये भी इजी टू मॉडरेट लेवल होगा। तो दोस्तों ये जो मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दी, प्लीज आप अपनी प्रिपरेशन उसी प्रकार से शुरू कर दीजिए। और मैं चाहता हूं कि जब आप मुझे फोन करो, सर हमारा नेट क्वालिफाई हो गया,
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारे लाइव सेशन में, जो हमारा रैंक बूस्टर एमसीक्यू सीरीज है जो चालू है। कल हमारा पेपर वन का एमसीक्यू सीरीज और उसके बाद कॉमर्स और मैनेजमेंट का। तो चलिए जाने से पहले एक बार वापस से कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको लगता है मैं थोड़ी भी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और इससे आपको थोड़ा भी फायदा हो रहा है, तो जरूर आप अपने चैनल डॉक्टर विनोद चांदवानी, जहाँ पे एनटीयू जीसी नेट का तैयारी किया जाता है, जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक जरूर करिए।